हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी ज्यादा तीखा नहीं खाता। जब तो सर आंख से कान से भाप न निकले ना तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है, जब मैं कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। मेरा नाम शाहू पाटोड़े है, मेरा गांव का नाम खामगांव है, एक छोटा सा देहात है उसके बगल में। मेरी ये बुक आ गई है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे फूड के क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार, मेरा नाम अंजनी, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संदीप, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाथ में काला धागा बांधने गए, समझ आया कि आंधी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें, आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये आपकी बिल्ली है? बिल्ला है सर वो, बिल्ला चने का जो पेड़ आते हैं ना, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, तो टेंडर ये पूरा ऊपर का निकाल लेते हैं। ये बिहार में भी मिलता है बहुत, उसमें सिर्फ आटा यूज करते हैं। ये क्या है? ये सर क्रश है, गवर्नर का क्रश है। पहली होटल दलित ने शाहू महाराज ने खोल के दी थी यहाँ पे। रोज सुबह शाहू महाराज वहां जाके चाय पीते थे, पहले ऐसा हम मिक्स कर दीजिए बस, कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपए के जी है। हम ज्वार का रोटी खाते हैं, हम गरीब हैं। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, वो खाओ बोलने से हमारा महंगा हो गया मिलेट्स सर, सस्ता वाला। मैं तीखा खाते मुझे पता नहीं है। ज्यादा तीखा नहीं खाता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको? आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब तो सर आंख से कान से भाप न निकले ना तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना, पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं और बीजेपी को तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे वो बात अलग है। लेकिन PWG को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी, तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए हैं, तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है, आप क्या खाते हो इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर, और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर, सब तो सर आज डायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट। आज भी फिर मैं गांव में रहता हूं, मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं नहीं आज भी, और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बनाएंगे? नहीं नहीं बहाना नहीं, नहीं नहीं आएंगे, हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना। अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया तो डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं, लेकिन मतलब आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है। हाँ राइट, आपकी रिस्पेक्ट, कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। दोनों भाई का हाथ का खाना खाएंगे। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, मराठी मराठी में त्याला खूप बरं बोलते। वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता, दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने ही लिखा हुआ है कि सब दलित है, दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है।
समझो, अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा सर? नहीं लगता। अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं, अब उल्टा जा रहे हैं। अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ बराबर सर, वो ठीक है। अब वो कुछ भी कर ले सर, वो चमड़ी तो नहीं सर, और यहाँ पे छिपी हुई सर, यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं। छिपी हुई है, हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सर नेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तब। तो ये सब ने तो आप दोनों ने बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपको आप मेरा रोटी कैसा लगा? आपका रोटी अच्छा था, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। कांदे चिप्पा ये दूसरे नंबर पे था, इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मिर्ची है। लेकिन सर सर बच्चे तीनों लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा? वो आपने, मैंने देखा आपने डाल दिया वो, मैं देख रहा था। हम कोलाबर वाले ज्यादा पैसे खाते हैं।